आप देख रहे हैं द एंगल, मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में मिली थोड़ी राहत, पिछले 24 घंटों में 3,66,000 केस आए सामने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली कोरोना समीक्षा बैठक, कहा लॉकडाउन की सख्ती से हो पालना। जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गहलोत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा वेंटिलेटर किराए मामले की हो जांच। राजस्थान में आज से सख्त लॉकडाउन लागू, बेवजह बाहर निकलने वालों पर पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई, 31 मई तक विवाह समारोह पर रोक। देश में कोरोना वायरस के मामलों में थोड़ी गिरावट दर्ज हुई है। संक्रमितों की संख्या 4,00,000 से कम दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3,66,902 मामले सामने आए। वहीं मौत के आंकड़े भी कुछ कम हुए हैं, 3,751 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। देश में संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 2,26,62,410 हो गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,46,146 हो गई है। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या लगातार कर 37,41,368 हो गई है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग प्रवक्ता ने बताया कि रंगासामी की हालत स्थिर है। डॉक्टर्स की सलाह पर उन्हें चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुडुचेरी के स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना वायरस के हल्के लक्षण दिखने के बाद मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पुडुचेरी के इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना की जाँच करवाई थी, जहाँ उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। प्रवक्ता ने कहा कि CM एन रंगासामी की हालत अभी स्थिर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना लॉकडाउन और संसाधनों की उपलब्धता को लेकर समीक्षा बैठक की। CM गहलोत ने कहा कि प्रदेशव्यापी लॉकडाउन की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के लिए लॉकडाउन का असर पहले दिन से ही गांव ढाणी तक दिखना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं हो। जो भी व्यक्ति गाइडलाइन का उल्लंघन करे उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड संक्रमण, लॉकडाउन तथा संसाधनों की उपलब्धता सहित अन्य संबंधित विषयों पर उच्च स्तरीय समीक्षा में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण शहरों के साथ साथ गांव ढाणी तक फैल रहा है, इससे हो रही मौतें बेहद चिंताजनक और व्यथित करने वाली है। ऐसे में प्रदेशवासी पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से लॉकडाउन की पालना करें। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अशोक गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्नल राठौड़ ने कहा कि PM केयर फंड से राजस्थान को दिए गए वेंटिलेटर या तो डिब्बों में बंद पड़े हैं या वे निजी अस्पतालों में पहुंच गए हैं। राठौड़ ने गहलोत सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सरकारी वेंटिलेटर निजी अस्पतालों को किराए पर देना सही है। उन्होंने गहलोत सरकार को कोरोना प्रबंधन पर जमकर घेरा। सांसद राठौड़ ने इस संबंध में एक वीडियो जारी कर कहा कि कोरोना आपदा के समय राजनीति करना सही नहीं है, लेकिन अगर दिन दहाड़े कोरोना पीड़ितों को लूटा जा रहा हो और आप व हम आंखें बंद कर ले तो ये नाइंसाफी होगी। राजस्थान में 20 जून को प्रस्तावित रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा चौथी बार स्थगित करी गई है। कोरोना संक्रमण के कारण और EWS वर्ग को दोबारा आवेदन के लिए मौका देने के कारण एक बार फिर से परीक्षा टाली जाएगी। इस परीक्षा का राज्य के करीब 16,00,000 बेरोजगार अभ्यर्थियों को इंतजार है। राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जिस प्रकार के आसार नजर आ रहे थे, इस परीक्षा को 20 जून को भी स्थगित करना पड़ा था। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कोरोना तेजी से फैल रहा है और मौजूदा समय में राज्य की प्राथमिकता महामारी पर नियंत्रण की है। ऐसे में वर्तमान हालातों में देखते हुए साथ इस परीक्षा के लिए EWS के अभ्यर्थियों को अभी आवेदन का मौका देने के कारण बीते दिनों जारी की गई रीट परीक्षा 20 जून को नहीं कराई जा सकती। राजस्थान में आज से सख्त लॉकडाउन शुरू हो गया है, जो कि 24 मई तक लागू रहेगा। नए लॉकडाउन में पहले से चली आ रही पाबंदियों को और कड़ा किया गया है। आज से सभी तरह के आने जाने के साधनों पर रोक है। निजी और रोडवेज की बसें बंद है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सभी साधन बंद है। धार्मिक स्थल, बाजार पहले की तरह ही बंद रहेंगे। गृह विभाग की गाइडलाइन को पुलिस मुख्यालय ने हर थाने तक भेज दिया है। घर से बेवजह बाहर निकलने वालों को पुलिस सीधे क्वारंटाइन सेंटर भेजेगी। रिपोर्ट नेगेटिव आने तक वहीं रहना होगा। नए लॉकडाउन में शादी समारोह पर रोक लगा दी गई है। शादी हो सकती है लेकिन केवल 11 लोग ही मौजूद रह सकेंगे। बैंड, बाजा और बारात पर रोक रहेगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में रखे हुए ऑक्सीजन गैस सिलेंडर अब सरकार को दिए जाएंगे। लगातार बढ़ रही ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने ये निर्णय लिया है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के राज्य परियोजना निदेशक डॉ. भंवरलाल ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा कि व्यावसायिक शिक्षा योजना के तहत राज्य में हेल्थ केयर ट्रेड संचालित 332 स्कूलों की लैब में रखे हुए ऑक्सीजन गैस सिलेंडर जिला प्रशासन को दिए जाए।
जिससे उनका सदुपयोग इस आपदा के समय किया जा सके। प्रदेश के वोकेशन एजुकेशन स्कूलों पर प्रयोगशालाओं में छोटे बड़े 393 गैस सिलेंडर हैं। इनमें से 167 भरे हुए हैं जबकि शेष खाली है। मातृत्व दिवस पर रेनवाल में एक समाज सेवी ने अस्पताल को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया। रेनवाल क्लब की प्रेरणा से एक समाज सेवी ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन सौंपी है। मातृ दिवस के मौके पर बजरंग स्टोन के मालिक श्री राम कुमावत मोतीलाल गोगराज ने अपनी माताजी कजोड़ी देवी की तरफ से हॉस्पिटल प्रशासन को करीब 65,000 की लागत की ऑक्सीजन मशीन जरूरतमंद मरीजों के लिए सौंपी है। क्लब उपाध्यक्ष राजकुमार कुमावत ने बताया कि शहर सहित प्रदेश में ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। सिलेंडर होने पर भी उनमें ऑक्सीजन भराने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में समाज सेवी ने मशीन उपलब्ध करवाकर मानवता का काम किया है। श्री राम जी को हमने मोटिवेट किया और इन्होंने आज ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन यहाँ हॉस्पिटल में उपलब्ध करवाई। हम इनके परिवार के और इनकी माता जी की दीर्घायु की कामना करेंगे। और मातृ दिवस पर इन्होंने ऐसा इंसेंटिव करके और अपनी माँ को और पूरे रेनवाल को इन्होंने एक यादगार चीज़ दी है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर में नहीं हो तो भी ये कंसंट्रेटर मशीन नेचुरल ऑक्सीजन को कंसंट्रेट करके और पेशेंट को दे सकती है। तो इसलिए हम इनका बहुत बहुत आभार करते हैं। रेनवाल क्लब हमेशा हॉस्पिटल की जो भी आवश्यकताएँ हैं उनकी पूर्ति करवाने के लिए पूरे रेनवाल को मोटिवेट करता रहता है और करता रहेगा। धन्यवाद। जिला कारागृह सिरोही में गत 7 दिनों से कोरोना पॉजिटिव कैदियों की जांच नहीं हुई है। इस पर कैदियों के परिजनों ने इसकी शिकायत की। परिजनों की शिकायत मिलने पर विधायक संयम लोढ़ा पुलिस अधीक्षक हिम्मत अभिलाष टांग के साथ जिला कारागृह पहुंचे। लोढ़ा राज्य सरकार की ओर से गठित जिला कारागृह समिति के सदस्य भी है। विधायक लोढ़ा ने जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार को फोन किया और कोरोना पॉजिटिव कैदियों के संबंध में बात की। उनके रेवदर क्षेत्र में होने के कारण ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेक कुमार को मौके पर जिला कारागृह बुलाया गया। विधायक संयम लोढ़ा ने मौके पर मौजूद ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेक कुमार से कहा कि कैदियों को कैदी नहीं मरीज समझकर देखभाल करें, तभी हम अपनी इंसानियत का फर्ज अच्छे से निभा पाएंगे। जयपुर के रेनवाल में मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत सभा का आयोजन हुआ। रेनवाल तहसील के ग्राम बागावास के पंचायत भवन में थाना प्रभारी कैलाश चंद मीणा एवं बधाल चौकी प्रभारी कैलाश चंद यादव के मुख्य आतिथ्य में सभा का आयोजन हुआ। सभा में कोविड-19 में सावधानी बरतने, अनुमत दुकानों को निर्धारित समय में खोलने, लॉकडाउन में नियमों की पालना कराने, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके साथ ही वैक्सीन लगाने सहित कई विषयों पर भी चर्चा हुई। सीकर जिले के खंडेला ब्लॉक की ग्राम पंचायत जाजोद के CHC पर 248 युवाओं को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन लगवाने के लिए सुबह से ही युवाओं की भीड़ उमड़ी। कुछ समय के लिए तो टीकाकरण कक्ष में भी लोगों की भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग टूटती हुई नजर आई। CHC प्रभारी ने लोगों से समझाइश कर शांतिपूर्वक टीका लगवाने की अपील की। हालांकि जाजोद CHC पर 18 से 44 आयु के लोगों को ही टीका लगाया जा रहा था, जबकि 45 वर्ष से अधिक के लोग भी वैक्सीनेशन सेंटर पर आ गए। CHC प्रभारी ने समझाइश कर 45 वर्ष से अधिक के लोगों को वापस भेजा। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए युवाओं में वैक्सीन लगवाने के प्रति काफी उत्साह देखने को मिला। आज CHC जादूद पे 18 साल से ऊपर के वो व्यक्ति जिन्होंने अपना अपॉइंटमेंट लिया हुआ था उनके टीका लगाया जा रहा है। और आज हमें किसी भी तरह की किसी भी लेवल की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। अच्छी बात यह है युवा आ रहे हैं और पहले से ही अपॉइंटमेंट करवा के आ रहे हैं और शांति से एक सद्भावना से डिस्टेंसिंग के साथ में एक अच्छा सा माहौल देखने को मिल रहा है। अभी तक 180 टीके लग चुके हैं और अब लोग अपने स्लॉट के हिसाब से अपने टाइमिंग के हिसाब से आ रहे हैं और टीका लगा के जा रहे हैं। ना उनको किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ना अस्पताल प्रशासन को किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आम जनता को कि आज उन्होंने जिस तरीके से डिस्टेंसिंग, मास्किंग और धीरे का परिचय दिया है वो काबिल तारीफ है।
दो दिन की शांति के बाद सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि कर दी है। पेट्रोल में जहां प्रति लीटर 27 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, वहीं डीजल के दाम में 36 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। जयपुर में अभी पेट्रोल के दाम 97.92 रुपए और डीजल के दाम 90.61 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। तेल कंपनियों ने इस साल 31वीं बार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि की है। 5 दिनों में तेल कंपनियों ने पेट्रोल 1.15 पैसे और डीजल 1.41 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है। तेल कंपनियों ने साल 2021 में पेट्रोल और डीजल के दामों में ये 31वीं बार बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद डीजल के भाव अब तक 9.78 रुपए और पेट्रोल के दाम अब तक 9.10 रुपए बढ़ चुके हैं। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के साथ आज सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 289.24 अंकों की तेजी के साथ 49,495.71 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 98.80 अंक के उछाल के साथ 14,922 के स्तर पर खुला। आज 1,331 शेयरों में तेजी आई, 284 शेयरों में गिरावट आई, वहीं 77 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। आज शुरुआती कारोबार के दौरान डॉक्टर रेड्डी, ONGC, NTPC, टाइटन, HDFC, रिलायंस, एशियन पेंट्स और HCL टेक के शेयर हरे निशान पर खुले। वहीं बजाज फाइनेंस, मारुति और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर लाल निशान पर खुले। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।